सड़कों पर जनसैलाब, पोस्टर बैनर के साथ मार्च करते लोग और राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन। ये तस्वीरें हैं अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस की, जहां राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बोटलिक के इस्तीफे के बाद भी बवाल लगातार जारी है। पहले राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी अब अब्दुल अजीज की जगह नियुक्त अंतरिम राष्ट्रपति अब्दुल कादर बिन सलह का विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अस्थाई नेता अब्दुल कादर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज के करीबी रहे हैं। ऐसे में नियुक्ति अल्जीरिया के लोगों के साथ एक धोखा है। प्रदर्शनकारी सेना का भी विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सेना अल्जीरिया के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सेना प्रमुख को भी इस्तीफा देना चाहिए। रमजान के दौरान भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सत्ता जनता को सौंपी जाए। बता दें कि अल्जीरिया में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले महीने अब्दुल अजीज बोटलिक ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद अब्दुल कादर बिन सलह को देश का अस्थाई राष्ट्रपति बनाया गया था। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए बिन सलह ने अगले 90 दिनों के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा भी किया है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि अल्जीरिया की अस्थाई सरकार इस प्रदर्शन से कैसे निपटती है।